नमस्कार सांग माने केमती अछंती आपन माने समस्ते मोर उडे नुआ फ्रेश ब्लॉग को मु करछी आपन माने को स्वागत। आजिर ब्लॉग आपन माने जेंता रिक्वेस्ट करन जे ताटू टिक्के अलग ब्लॉग बट आई एम श्योर एटा भी आपन मान को निश्चय भलो लागितिबो आ एटा भी आपन मान को पई हेल्पफुल हबो केमिति एमिति कथाटी एरिया जे आमे एमिति बहुत गुडे प्रोडक्ट्स किनी दउ जहार रिव्यूज आमे माने देखु आ रिव्यूज देखि सालला परे बा जदि बहुत यूट्यूबर्स आउ इन्फ्लुएंसर माने इंस्टाग्राम रो आपन मानको कोथबे से प्रोडक्ट किनतु आउ रेटिंग भी बहुत भलो थिबो भलो भलो रिव्यूज थिबो से सब को देखि के आमे माने नॉर्मली से प्रोडक्ट किनु जो भूल मु भी आगरो करी छी किंतु समवेयर बहुत जगह रे मु ठकी छी जे बहुत जगह रे एमती हेइ छी जे बहुत भल भल रिव्यूज देखी इन्फ्लुएंसर मैंने ये सुंदर भाव में बुझौं लगुच सतरे कि गोटे चमत्कार हो कौन सेमती किसी हम कि बहुत जगह हईराण हो अजथा पैसा खर्च करी पैसा नष्ट मोर से कौन सी कम लगिना मे बी से आउ का बेटर हो आई डोंट नो मु सब बड़े कहे स्किन टू स्किन वेरी करे सब जिन सब प्रडक्ट या भल कम कर दैट डजंट मीन कि आपं भी भल कम कर मोपाई भल कम कर मैंने नुहे आपल कम कर सो यहाँ बेले बेले सेमती उन्नीस बीस हुए नर्माली मुझे देखुची मुझ पाखु भी कि भाया कमेंट्स पाइली जो मैंने भी सब प्रडक्ट यूज करम देनी सो ता भितर कि जिनस मुझे सेयार करी आपण मैंने मे बी हेल्पफुल हो पारती तो प्रथम नंबर रहा प्रथम मुझे या इंदुलेखार ब्रिंगराज हेयर क्लेंजर एटा बहुत लोगों पर हेल्पफुल लोक लिखिंटे आई डोंट नो ए कौन हुए कौन नहीं यहाँ मुझे एक्चुअली ये किनी जेहेतु मतलब बहुत रेगुलरली हेयर वॉश करने पड़े आगे भल पाए क्या एत कौन कहते केमिकल प्रडक्ट्स आम मान चुट्टी यूज हुए डेली डेली सुटिंग चुट्टी बहुत नष्ट हुए सहित बहुत स्वेटिंग हुए बहुत गरम झाड़ सब बड़े चुट्टी रही मत बिल्कुल भल लगे सो मु एवरी अल्टरनेट डे हेयर वॉश कराया भल पाए बट मु गोटे टाइम एमती रियलाइज कली सबुले सब से केमिकल प्रडक्ट्स केमिकल शैम्पू यूज कर थकी गली सो मत गोटे जेंटल क्लेंजर दरकार कि गोटे आयुर्वेदिक जिनस जो थे कि सब बड़े हेयर वॉश अल्टरनेट डे करी तो से परचेज करी एटा तो भल ठीक अच्छे ये गोटे आयुर्वेदिक क्लेंजर यहाँ गोटे मेडिसिन फॉर हेयर फॉल कौन लिखी हेयर फॉल कौन कंट्रोल होगा से मुझे कहीपर यार प्रॉब्लम या जे जदि आपने हेयर ऑयल करी ऑयलिंग कर हेयर रे ताहले ए शैम्पू रे तो भाई तेल बाहर मोपाई इम्पॉसिबल हो गला कहपाई हो जो मन को पतला चुट्टी तीन भी हो आई डोंट नो तीन थर भी मुझे एमती तो नॉर्मली डबल मो डबल गोटे दी थर मुझे शैम्पू यूज करे हेयर वॉश कला बेले तीन थर चार थर कला पर भी मते कम माने क्लियर लगे लगे तेल गुड़ाक अच्छे तो जदि एमती नॉर्मल आपको हेयर अच्छी तेल फेल लगे तो ठीक अच्छे जो हेयर आप ऑयलिंग कर शैम्पू रे बिल्कुल भी ऑयल जाए तो से यहाँ भी मोपाई नो नो सेकेंड प्रडक्ट है मामा अर्थ हेयर कंडिशनर यहाँ गोटे हेना कंडिशनर यहाँ कौन हेना कंडिशनर एथेरे कौन हुए मुझे जाने कड़े हेना और डार्क रोस्ट कॉफी अच्छी मुझे बिग नो नो देवी कौन सी कंडिशनिंग इफेक्ट मुझे पाए मानने गोटे कंडिशनर भाया टेक्सचर भी मत यार लगे गोटे क्रीम क्रीमी गोटे किमती तो गोटे लगे मुझे बुझे पारे किसी कंडिशनिंग इफेक्ट मुझे पाए आटा फॉर अ प्री मैच्योर ग्रेइंग कड़े यहाँ हेल्पफुल हम कहीं मुझा किसी भी मतलब लगुनि यार शैम्पू भी यूज करते तार भी सेम केस यार कौन से प्री मैच्योर ग्रेइंग सहित कौन से संपर्क ही ना मत यही ही लगुच बट क्लेम करुच्ची से सो इट इज अ बिग नो नो फॉर मी। नेक्स्ट गोटे प्रडक्ट कह भी सला एम कैफिन रडी मास्क एम कैफिन रडी स्क्रबा बहुत भल कम कै डिटैनिंग कि बट तापरे ए मास्क टा यूज कर सारा पर सेमती किसी बहुत बेस बेनिफिट मत मिले ना बट हाँ आपण मान बडी में मे भी दौ मानते करूब से कि गोटे डिटैनिंग इफेक्ट थी मुझेपर बट मोपाई गोटे सेमती किसी कम से कला ना आर केवल स्क्रब करदेब मॉइश्चराइजर लगेदेब बडलोशन लगेदेब ठीक अच्छे बट आ गए प्रडक्ट मुझे कहि यहाँ है लोटस प्रेशियस ब्राइटनिंग फेस एक्सफोलिएटर स्क्रब यहाँ गोटे बढ़िया रिव्यूज
ବଢିଆ ରେଟିଂ ସବୁ ବଢିଆ ଏଇଥିରେ ବ୍ରାଇଟନିଂ କୌଣସି ଇଫେକ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ନର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରବ୍ସ ଓନ୍ଲି ଯେମିତିଆ ନର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରବ୍ ସେମିତି ସ୍କ୍ରବ୍ ମେ ବି ସେ କରୁଛି କରୁଛି ସ୍କ୍ରବ୍ ଯେମିତି କରିବା କଥା କରୁଛି ବଟ୍ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟନିଂ ଫେସ୍ ଏକ୍ସଫୋଲିଏଟର୍ର ଯେଉଁ କ୍ଲେମ୍ ଏଇଟା ଦେଉଛି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ବିଗ୍ ନୋ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଡଟ୍ ଏଣ୍ଡ କି ରହି ଭିଟାମିନ୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ଇ ସୁପର ବ୍ରାଇଟ୍ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ଥାଏ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ର ସେ ବ୍ରାଇଟନିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଆଣେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋ ଆସେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଏଇ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଜେଲ୍ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ହଁ ଏଇଆ ଖରାଦିନରେ କେତେବେଳେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଲଗେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ ଖାଲି ଏଇଟା ଆପଣ ଲଗେଇଦେବେ ବଟ୍ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଏଇଟା କରିଦିଏ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ ଯେମିତି ଭିଟାମିନ୍ ସେରମ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ର ବ୍ରାଇଟନିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଆସେ ବା ଫେସ୍ ଗ୍ଲସି ହୁଏ ଗ୍ଲୋଇ ହୁଏ ବଟ୍ ଏଇଟା ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଟବ୍ ମୁଁ ସାରି ସାରିଲିଣି ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଅଛି ବା ସାରିବାକୁ ଅଛି ସବୁ ସାରୁଛି ଖରାଦିନରେ ଟିକେ ଜେଲ୍ ଜେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଲଗେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚର୍ ଭଲ ଲାଗେନି ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ଯାହା ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ଇର ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟଟା ରହିବା କଥା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ବିଗ୍ ନୋ ନୋ ଆଉ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି ହେଲା ଏସବୁ ତ ଚାଲ ଚଳିବ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେଇଟା ହେଲା ସାନ୍ଫିର ଲିପ୍ ଗ୍ଲୋ ଲାଇଟନିଂ ସେରମ୍ ଏଇଟା ଜଣେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ ୟା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଲିପ୍ସକୁ ଲାଇଟନ୍ କରେ ବ୍ରାଇଟନ୍ କରେ ଲିପ୍ସକୁ ପିଙ୍କ୍ କରେ ସଫ୍ଟ ରଖେ କ୍ରାକ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ବହୁତ କିଛି କଥା କ୍ଲେମ୍ କରେ ବଟ୍ ଏଇଟା କିଛି କରେ ନା କେବଳ ଏହା ଲାଗେ ଗୋଟେ ତେଲ ଆପଣମାନେ ମୁହଁରେ ଲଗେଇ ଓଠରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ତେଲ ଲଗେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ଆଉ କିଛି ବି ଲାଗେନି କୌଣସି ଲାଇଟନିଂ ଇଫେକ୍ଟ ବ୍ରାଇଟନିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ଲମ୍ପି ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ମାନେ ଲିପ୍ସ ଲାଗିବା ସେଇଟା ସେମିତି କିଛି ବି ଏଥିରେ ହେଉନି ସୋ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ମୁଁ ୟାକୁ ରଖିବି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ରିଗ୍ରେଟ୍ ବାଇଂ ଦିସ୍ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେନି ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୋ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା କହୁଛି ନାହିଁ ସବୁ ମୁଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କରିଛି ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ବିଗ୍ ନୋ ନୋ ଫର୍ ମି ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ଏଇସବୁର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ସୋ ଲିଙ୍କ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ବଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କିଣିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଉ ତାପରେ କିଣିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ବ୍ଲଗ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ